महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली की महिला बैडमिंटन टीम ने इतिहास रचकर दिनांक 22 नवंबर से 27 नवंबर तक एमडीयू रोहतक विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अंतर विश्वविद्यालय स्तरीय महिला बैडमिंटन नॉर्थ जोन प्रतियोगिता में रजत पदक अपने नाम कर लिया है। ज्ञात हो कि खिलाड़ियों का चयन 16 नवंबर को हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय स्तरीय अंतर महाविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता में किया गया था, जिसमें 4 खिलाड़ियों का चयन नॉर्थ जोन अंतर विश्वविद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ था। ये बड़े गर्व की बात है कि पदक जीतने वाले 4 खिलाड़ियों में से 2 हिंदू कॉलेज मुरादाबाद एवं 2 डीएके डिग्री कॉलेज मुरादाबाद की हैं। हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के प्राचार्य डॉक्टर एसएस रावत एवं डीएके डिग्री कॉलेज मुरादाबाद के प्राचार्य डॉक्टर जॉली गर्ग ने पदक विजेता खिलाड़ियों की सराहना की और टीम कोच पंकज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर व खेल सचिव हिंदू कॉलेज मुरादाबाद को उनके द्वारा तैयार की गई टीम के मेडल लाने पर बधाई प्रेषित की। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड बरेली की महिला बैडमिंटन टीम का चयन अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए भी हो गया है। टीम मैनेजर डॉक्टर जितेंद्र सिंह व पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम सिमरन चौधरी, राधा ठाकुर, सुहाना व माही हैं। मैं हर्ष से आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी विमेंस बैडमिंटन टूर्नामेंट जो कि एमडीयू रोहतक में 21 तारीख से 28 तारीख के मध्य आयोजित की जा रही थी, उसका आज फाइनल मैच खेला गया, जिसमें बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए हिंदू कॉलेज की 2 छात्राएँ सिमरन चौधरी एवं माही गुंबर और दयानंद आर्य कन्या डिग्री कॉलेज की 2 छात्राएं राधा एवं सुहाना का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा और इन्होंने रजत पदक जीतकर पूरे मुरादाबाद मंडल का ही नहीं अपितु रुहेलखंड विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया है। मैं बताना चाहूँगा कि 16 नवंबर 2022 को हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के द्वारा अंतर महाविद्यालयी बैडमिंटन वुमेंस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिनमें इन 4 छात्राओं का सिलेक्शन किया गया जो 21 तारीख से प्रतिभाग कर रही थी इस टूर्नामेंट में, और क्वार्टर फाइनल में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सीधे 2 सेटों में हराया हमारी MJPRU की टीम ने। उसके बाद सेमीफाइनल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को 2-1 से हराया और फाइनल में बहुत कांटे की टक्कर में शिकस्त मिली हमें, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि अगर ऐसे ही हमारे स्पोर्ट्स का ग्राफ बढ़ता रहा तो अगले वर्ष जरूर हम नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक जीतकर नाम रोशन करेंगे। इस पूरे अभियान में हिंदू कॉलेज मुरादाबाद की क्रीड़ा समिति और समिति के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर SS रावत सर का सहयोग और मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहा है। क्रीड़ा समिति के सभी सदस्य डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर SB यादव, डॉक्टर चंद्रजीत कुमार यादव, डॉक्टर अजीत मौर्य एवं डॉक्टर राजेश तोमर सर का भी सहयोग मुझे हमेशा प्राप्त होता रहा है, जिसकी वजह से यह मुमकिन हो पाया है कि हम रजत पदक लेकर MDU रोहतक से वापस मुरादाबाद की तरफ जा रहे हैं। मैं क्रीड़ा सचिव हमारे स्पोर्ट्स काउंसिल रुहेलखंड विश्वविद्यालय के डॉक्टर आलोक कुमार श्रीवास्तव सर का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उनका भी सहयोग और मार्गदर्शन हमें लगातार प्राप्त होता रहता है, जिसकी वजह से आज ये मुमकिन हो पाया है। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि मिलजुल के हमारी क्रीड़ा समिति और क्रीड़ा परिषद अगर ऐसे ही काम करते रहेंगे तो ऐसे और आयाम जो है वो हम जरूर अचीव कर पाएंगे। धन्यवाद।